हेलो स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो में हम जो है देखेंगे काउंसलिंग प्रोसेस इन जेएनके स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल देखेंगे। सो 2023 का रिजल्ट जो है वो आ चुका है और उसके बाद जो है जेके नीट काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी जेएनके में। सो इस वीडियो में हम जो है देखेंगे, समझेंगे सारा जो है काउंसलिंग प्रोसेस जो है किस तरह से जो है जेएनके में होता है। सो वीडियो को जो है लास्ट तक देखना और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर जो है किसी को और क्वेरी होगी सो इंस्टाग्राम या फिर जो है जीमेल पर जो है वो आप जो है मैसेज कर सकते हो, वो जो है इसके चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो इस पर जो है जो कट ऑफ जो है उस पर जो है वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, एक वीडियो जो है मैंने बनाई हुई है, वो जाकर आप देख सकते हो। सो अभी जो है काउंसलिंग प्रोसेस की बात की जाए, 1 वीक के बाद जो है जेएनके में जो है बोपी जो है वो एक जो है लिस्ट जो निकालेगा। सो इस लिस्ट में क्या होगा, इस लिस्ट में जो है जिन बच्चों ने जो है नीट यूजी 2023 का एग्ज़ाम दिया था उन सबका जो है रोल नंबर और उन सब की जो है उनके सबके मार्क्स जो है वो दिए होंगे। इसमें जो है सब बच्चों के नाम होंगे जिन जिसने जो है नीट का फॉर्म जो है जेएनके से भरा है उन सबका नाम इसमें होगा। सो इस लिस्ट के बाद जो है जेके पपी जो है वो एक नोटिस निकालेगा। जेके पपी के जो है 2 ऑफिस हैं, वो एक जम्मू में है और एक श्रीनगर में है। सो पहले क्या होता था, पहले जो है ऑफलाइन काउंसलिंग होती थी, यानी कि आप डॉक्यूमेंट जो है वो जेके बोपी के ऑफिस में जाकर जो है पहुँचाते थे। सो इसके बाद जो है किसी भी साइबर कैफे में जाकर जो है ऑनलाइन काउंसलिंग जो है कर सकते हो। सो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने होते हैं, जैसे कि जो है नीट का स्कोर कार्ड, ठीक है, उसके बाद जो है 10th की मार्कशीट, इसको एज ए डेट ऑफ बर्थ यूज़ कर सकते हो, और 12th के जो है स्कोर कार्ड जो है दे सकते हो। उसके बाद जो है जब हमने नीट का फॉर्म भरा था उस टाइम पर जो है कुछ कैटेगरीज हैं जैसे RBA, PSP, इनमें जो है ऑल इंडिया पर जो है ये कैटेगरीज नहीं है। सो इस टाइम पर जो काउंसलिंग के टाइम पर जो है आपने इनको फिल करना है। इसमें RBA के जैसे 10% जो है रिजर्वेशन होती है और PSP के 4% रिजर्वेशन होती है। सो इन कैटेगरीज को जो है या ALC कैटेगरी जो है इनको आपने जो है इस टाइम पर फिल करना होता है। और इसके बाद जो है जेके बोपी एक और लिस्ट निकालेगा। इस लिस्ट में जो है आपकी कैटेगरी दी होगी और जो है आपकी कैटेगरी दी होगी और इसमें जो है आपकी जो रैंक होगी और जो आपका स्कोर होगा वो सब दिया होगा। और इस लिस्ट के निकलने के बाद जो है आपका जो एग्जैक्ट कट ऑफ होगा वो जो है पता लग जाएगा। और इस लिस्ट के बाद जो है एक वीडियो जो है इस पर इस चैनल पर जो है वो आ जाएगी, इसमें जो एग्जैक्ट कट ऑफ आपका बता दूंगा। सो उसके बाद जो है आपके जो है ये चॉइस फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। चॉइस फिलिंग में जो है आपने जो है डिफरेंट कॉलेजेस जो जेएनके के हैं उनको फिल करना होता है। इसमें जो है आपने जैसे कि किसी को GMC नगर जो है वो प्रेफर करना है या जम्मू प्रेफर करना है, सो उसको जो है पहले नंबर पे रखना। इस तरह से बाकी कॉलेज जो है 2nd, 3rd और 4th, 5th नंबर पे जो है आप रख सकते हो। जो कॉलेज आपने प्रेफर करना है वो आप जो है इसमें जो है चॉइस फिल कर सकते हो। सो इसके बाद जो है आपके फाइनली जो है आपकी सिलेक्शन लिस्ट जो है वो आ जाएगी। सिलेक्शन लिस्ट में जो है आपका जो नाम होगा और उसके बाद जो है आपकी रैंक और आपका जो है कॉलेज अलॉट जो किया होगा वो कॉलेज जो है वो आ जाएगा। इसके अलॉटमेंट के बाद जो है आपका एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। एडमिशन प्रोसेस में जो है जो आप कॉलेज आपको अलॉट किया गया है उस कॉलेज में जाके आपने डॉक्यूमेंट्स पहुँचाने हैं। ऑफलाइन जो है उसमें जो है डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपकी 10th 12th की मार्कशीट, नीट का स्कोर कार्ड, और जो है फीस देनी पड़ती है जो कि 30,000 के आसपास जो है वो जेएनके में जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो है होती है। सो ये थी हमारी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग। इस काउंसलिंग के बाद जो है सेकंड राउंड काउंसलिंग भी जो है स्टार्ट होगी और फिर थर्ड राउंड काउंसलिंग भी जो है होती है अगर जो है कॉलेज की सीट्स जो है वो फिल नहीं होती हैं तो। सो सेकंड राउंड काउंसलिंग में आपने क्या करना है, आपने जो है सिर्फ कॉलेज का जो है ये सेकेंड राउंड काउंसलिंग में आपने सिर्फ जो है प्रेफरेंस लिस्ट जो कॉलेज की होती है वो फिल करनी होती है। इसमें जो है दोबारा आपको जो है फीस पे करनी नहीं होती है। और जैसे कि किसी का कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो 500 गया है तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग में हो सकता है उसके जो है 5 मार्क्स या 10 मार्क्स तक जो है वो कम हो सकता है मार्क्स। इसलिए जो है अगर आपने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग अटेंड की है और आपका मार्क्स जो है वो जो है कट ऑफ के बिल्कुल क्लोज है सो आप जो है सेकेंड राउंड काउंसलिंग अटेंड करना। सेकेंड राउंड काउंसलिंग में जो है हो सकता है आपके जो है सिलेक्शन आ जाए हो जाए। जैसे कि इसमें जो है न्यू कॉलेजेस होंगे उनमें जो है हो सकता है कि जो है कुछ सीट्स जो है वैकेंट भी रह सकती हैं सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए। सो आप जो है सेकेंड राउंड काउंसलिंग भी अटेंड करना। सो ये था हमारा काउंसलिंग प्रोसेस इन जेएनके इन डिटेल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड डू सब्सक्राइब।